हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। के लिए लेके आई हूँ टेस्टी सेम आलू की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इसे एक बार प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्टी सी रेसिपी को। सेम आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने ली है 250 ग्राम ये देसी वाली सेम, तो इसको काट के अच्छे से धो लिया है। 3 बड़े साइज के आलू, तो इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने आलू कट कर लिए, इसी तरह से सभी को कट कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे, तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। तेल के गरम होते ही 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़ी सी हींग, बारीक कटा 1 छोटा प्याज। प्याज को 2 मिनट भून लेंगे। 2 मिनट बाद अदरक और लहसुन डाल देंगे, तो 1 इंच अदरक, 10-12 कलियां लहसुन की, भून लेंगे इसे भी। अदरक लहसुन के भुनते ही 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, तो हरी मिर्च को भी इसके साथ 2 से 3 मिनट भून लेंगे। प्याज लहसुन अच्छे से भुन गए हैं और हरी मिर्च भी हमारी हल्की सी फ्राई हो गई हैं, तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, गैस की फ्लेम को कम कर देंगे, 1 छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें नमक मिर्च, और इसके साथ ही थोड़ा सा 2 चम्मच करीब पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो आलू डाल देंगे जो हमने कट करके रखे हैं। सेम डाल देंगे और मसाले के साथ सब्जी को अच्छे से भून लेंगे उलट पुलट कर इस तरह से। मसाले हमने सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, तो इसे हम 5 मिनट ढककर पका लेंगे, जिससे हमारी सब्जी हल्की सॉफ्ट हो जाएगी। सब्जी को मैंने 5 मिनट अच्छे से भून लिया है, तो अब इसको हम चला देंगे। देखिए बहुत ही अच्छे से हमारी सब्जी भून गई है, तो इसे इस तरह से पलट लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे। पानी डालकर इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और इसे हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक कि हमारे आलू और सेम अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाएं। 10 मिनट हो चुकी है और देखिए सेम और आलू भी हमारे अच्छे से पक चुके हैं। देखिए एकदम सब्जी अच्छे से तैयार है। अगर आप टमाटर खाते हो तो टमाटर को ऐड कर दें और टमाटर डालकर इसे हम 2 मिनट तक पका लेंगे। थोड़ा ढक देते हैं। 2 मिनट हो चुकी है और देखिए टमाटर भी हमारे हल्के पक गए हैं, तो हमें इतना ही पकाना है, तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल लेते हैं और इसे हम सर्व कर लेंगे। सेम आलू की सब्जी बनके रेडी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।